भारतीय किसान यूनियन द्वारा सोयाबीन की फसल में अफलन को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। दरअसल करीब 2-2.5 महीने के सोयाबीन की फसल में अब तक फलियां नहीं आई और अफलन की वजह से किसानों को अपनी स्वयं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना पड़ा है, जिसमें मनासा विधानसभा क्षेत्र में आंतरी माताजी क्षेत्र, जिसमें महागढ़ लोड़किया, देवरी, खवासा, रायसिंहपुरा, खीड़ी, खेमपुरा, खजूरी, आखली, सोजावास, तुमड़ा, रूपावास, नलखेड़ा, शेषपुरा, बोरदिया, कला क्षेत्र, कुकड़ेश्वर क्षेत्र, रामपुरा पठार क्षेत्र, नीमच विधानसभा क्षेत्र में व जीरन क्षेत्र में विंशिया व दीपूखेड़ी व जावत विधानसभा क्षेत्र के सिंगोली, धारड़ी, लाड्यूरा, बड़ावदा गांव में जलभराव के कारण नदी के पास खेतों में सोयाबीन व उड़द व मूंगफली की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा तत्काल फसलों की खराबी का अधिकारियों द्वारा सर्वे कराकर उचित मुआवजा व फसल बीमा दिलाया जाए। 2018-19 का फसल बीमा अधिकतर किसानों का बकाया है। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिनकी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। अतिशीघ्र बीमा की राशि किसानों को दी जाए। वर्तमान 2021-22 खरीफ फसल बीमा की तारीख निकल चुकी है, उसकी तारीख को बढ़ाया जाए, जिससे बचे हुए किसानों को फायदा मिल सके। किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो किसानों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा। अभी किसानों की अभी जो फसल है सोयाबीन फसल, जिसमें प्राकृतिक बारिश और इसकी वजह से अफलन की स्थिति पैदा हो गई सोयाबीन में, जिसमें कोई फल नहीं है। जो लगातार आज 55 से 60 दिन की फसल हो गई और आप देख सकते हैं इसमें कोई फल नहीं है और आगे आने की कोई संभावना नहीं है। तो हम आज जो एकत्रित हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को ज्ञापन देने दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि माननीय आप जल्द से जल्द खेतों में उतरें, किसानों के खेतों में। आप जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय आप बोल रहे थे कि सड़कों पर खेतों में जाना चाहिए, तो अब समय आ गया है कि उनको खेतों में स्वयं को उतरना चाहिए किसानों की मांगों को देखते हुए। और जल्द से जल्द अधिकारियों को, अगर वो नहीं उतर सके तो अधिकारियों करके और सर्वे करवा के किसानों को जल्द से जल्द इसकी राहत दी जाए, क्योंकि पिछले साल भी बर्बाद हो गया था, किसानों को सूखाग्रस्त में चला गया था साल। तो आप आज अगर ये स्थिति हो जाती है तो किसान कहाँ जाएगा, बताइए किसानों की क्या हालत होगी। किसानों को मतलब जो लागत लगी वो भी निकालना मुश्किल हो जाएगी। तो इस स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द सर्वे करवा कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये फसल में अफलन की स्थिति है, इसलिए एकत्रित हुए हैं और रोटोवेटर से ये फसल सकाई की जा रही है इसकी। इसमें कुछ गुंजाइश नहीं, 60 दिन की हो गई है और अभी तक फल फूल कुछ नहीं है। मक्की में भी इली लगी हुई है और उड़द में भी पीला मोजक की स्थिति है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि सर्वे करवा कर उचित मुआवजा और ये फसल बीमा की तारीख बढ़ाई जाए। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।